नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। साथियों, सामाजिक विज्ञान की आज पुनः एक नई वीडियो के साथ आप सभी के पास मैं फिर से हाजिर हूँ। आज हम सामाजिक विज्ञान शिक्षक भर्ती 2024 सीजीटेट 2024 शिक्षक में सभी विषय के साथियों के लिए उपयोगी है, साथ ही साथ सीजीटेट एसएसटी वाले साथियों के लिए। यूनिट 3 पर आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा। सामाजिक विज्ञान की क्लासेस हैं जिसमें आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 3, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य के बारे में आज के इस वीडियो में चर्चा होगी। साथ ही अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे भाई, एक एक करके हम टॉपिक वाइज इस पर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो सभी साथी बिल्कुल बिना स्किप किए वीडियो को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं, आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। यूनिट 3 है, इकाई 3 है, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य क्या होता है, इनके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ मौर्योत्तर काल के भी बारे में बात करेंगे। तो चलिए मौर्य वंश से हम शुरू करते हैं। देखिए साथियों, मौर्य साम्राज्य जिसमें सबसे पहले आता है, सर्वप्रथम आता है मौर्य वंश। अब चूंकि ये मौर्य वंश हैं तो इसके संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनता है ये बिंदु से। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इस चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। मतलब देखो, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य की मदद से, अर्थात चाणक्य ने इनकी मदद की और इन्हीं की मदद से यह नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से लड़ाई हुआ और उनको पराजित करके मगध पर मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है भाई, आगे बात करेंगे। मौर्य वंश में ही इसमें निष्काम्य कर का स्रोत निर्यात कर था। ठीक है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था। देखो, जो मौर्य काल है इसमें शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था, अर्थात तक्षशिला में विश्वविद्यालय वगैरह संचालित थे जहां पर उस दौरान जो है शिक्षा दी जाती थी। जैसे हम आज की स्थिति में बात करबो, आज के परिवेश में अगर हम बात करबो, शिक्षा के हब हमन काला मानथन बिलासपुर। जैसे पीएससी वगैरह की बात करथन तो सबले बढ़िया मानथन हमन बिलासपुर में कोचिंग होते, सीजीपीएससी के शिक्षा हब है ना। तो ये है, अर्थात एक काल था, एक समय है, उस समय में एक एजुकेशन हब होता है, शिक्षा का हब होता है, और उस दौरान अर्थात मौर्य काल में तक्षशिला ही शिक्षा का हब हुआ करता था। ठीक है भाई, मौर्य काल में भारतीय समाज 7 वर्गों में विभक्त था। देखिए, इस मौर्य वंश में भारतीय जो समाज है उसको 7 भागों में विभक्त किया गया था। और ये कौन कहा है? मैगस्थनीज ने। ठीक है, इतना को याद रखेंगे मौर्य वंश में। आगे बात करेंगे, अब चूंकि बात आ रही है मौर्य वंश की और मौर्य वंश के संस्थापक की, मैंने बात की चंद्रगुप्त मौर्य, तो थोड़ा सा हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे मौर्य वंश के संस्थापक। ठीक है, तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य और प्रथम शासक थे, अर्थात इसी से मौर्य वंश की शासन शुरू हुई, प्रथम पीढ़ी भी कह सकते हैं मौर्य वंश के। अब चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और महामंत्री का नाम चाणक्य था और इसी चाणक्य की मदद से, ठीक है, उन्होंने नंद को पराजित किया था भाई। अरे चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे और चाणक्य का कई नाम है भाई, यहां पर 3 नाम मैंने लिख दिया है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चाणक्य को ही कौटिल्य भी कहा जाता था और विष्णुगुप्त भी इसी चाणक्य को ही कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष हुआ है, लड़ाई हुआ नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से। ठीक है,
नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद से लड़ाई हुआ और उसको पराजित करके नंद वंश में वह क्या किया भाई, मौर्य वंश की फिर स्थापना की। ठीक है, इसकी विवाह की बात कर लूं मैं चंद्रगुप्त मौर्य के, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की पुत्री, देखिए सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना के साथ इस चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हुआ था। ठीक है, अर्थात इनका विवाह किससे हुआ था, सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना से इनका विवाह हुआ था। हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही लिया हुआ है। अगला पॉइंट देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन, अब जब चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम सांस ले रहे थे, जीवन के अंतिम पड़ाव में थे, तब उन्होंने श्रवण बेलगोला में अपना अंतिम समय बिताया हुआ था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे, याद रखना, जो चाणक्य है, जो कौटिल्य है इसके महामंत्री, वे अर्थशास्त्र के लेखक थे। कहने का तात्पर्य है उनको अर्थशास्त्र की बहुत ही अच्छी जानकारी थी। ठीक है, इसी में एक और आता है, इंडिका के लेखक कौन थे, तो मेगस्थनीस जी थे, अर्थात अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य और इंडिका के लेखक मेगस्थनीस या मेगास्थनीस, मेगस्थनीस के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को तो आपको याद रखना है, हालांकि सभी पॉइंट को आपको दिमाग में बैठा लेना है मेरे दोस्तों, क्योंकि हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनने के बाद अपना सिंहासन त्याग दिया। देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, है ना, मतलब क्या है, पहले इनको जब ये युवावस्था में थी तब इनको लालच था, इनको मोह था सिंहासन का, लेकिन जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है वह जरावस्था में प्रवेश करता है, अर्थात वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, तब वह किसकी ओर जाता है भाई, शांति की ओर जाता है, और इसी शांति के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन भिक्षु बन गए, अर्थात वह जैन धर्म को अपनाया, एक भिक्षु का जीवन जिया और अपना सिंहासन भी उन्होंने क्या कर दिया, त्याग दिया। मतलब आप चीजों को समझिए, मोह सिर्फ युवावस्था तक होती है, जब हम उस पड़ाव में रहते हैं जहां पर धन दौलत रुपया पैसा सिंहासन काम नहीं आता, काम आता है तो हमारा व्यवहार, काम आता है तो प्रभु का गुणगान, चाहे आप किसी भी धर्म के ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़े हुए। आगे बात करता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का दूसरा कहना चाहिए शासक, वो है बिंदुसार। अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य के बाद किसकी बारी आई, बिंदुसार की। तो देखो, अब बिंदुसार कौन थे, तो बिंदुसार के अन्य नाम को पहले जान लो, तो इनका अन्य नाम था अमित घात, जिसको अमित्रोचेडस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इनको उपाधि क्या मिली, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिंदुसार को दो समुद्रों का विजेता, बिंदुसार को क्या कहा जाता है भाई, दो समुद्रों के विजेता के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि इसको दो समुद्रों के विजेता की उपाधि मिली है। किसको मिली है भाई, बिंदुसार को मिली है। और कौन कौन से दो समुद्र के इन्होंने विजेता है या इन्होंने जीता है, तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, इन दोनों के जो है विनर है, विजेता है बिंदुसार। ठीक है, अब बिंदुसार कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो आजीवक संप्रदाय के यह अनुयायी थे, बस इतना ही है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। आगे बात करेंगे अशोक, नाम सभी ने सुना होगा, राजा अशोक है, सम्राट अशोक के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो अशोक सम्राट बनने से पहले अवंती का प्रजापति था, इसको भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। देखो, अशोक जो है सम्राट बनने से पहले क्या था,
तो अवंती का प्रांतपति था, प्रजा नहीं ना, प्रांतपति था, ठीक है। और इस समय जो है राजधानी क्या थी मौर्य वंश की अशोक के कार्यकाल में, तो पाटलिपुत्र ही था, ठीक है। यह वंश था मौर्य वंश, अर्थात जिस वंश के अशोक सम्राट थे उस वंश का नाम मौर्य वंश था, ठीक है भाई। यह कौन से धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म के अनुयायी थे। ये जो अशोक है जैन धर्म के अनुयायी थे, और चंद्रगुप्त मौर्य जो कि युवावस्था में संघर्ष के बाद अपना राजपाट प्राप्त किया था, जब वह अंतिम समय में था अर्थात वृद्धावस्था में, उन्होंने जैन भिक्षु बनने का, मतलब वो जैन धर्म के प्रवर्तक थे, लेकिन सम्राट अशोक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, ठीक है। अब ये जो है बौद्ध धर्म को बहुत ही अच्छे से मानते थे, इसलिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र एवं संघमित्रा, देखो भाई इसके पुत्र का नाम महेंद्र था और पुत्री का नाम संघमित्रा था, तो पुत्र और पुत्री को इन्होंने श्रीलंका भेजा। श्रीलंका क्यों भेजा अशोक ने, ताकि वह बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर सके, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आ रही है, आगे बात करते हैं। इसी में आता है कलिंग विजय, जो कि अशोक का ही है, सम्राट अशोक का है, कलिंग विजय हुई। देखो अब कलिंग विजय होने के पीछे क्या रीजन था, प्रश्न पूछा जाता है कलिंग विजय का क्या कारण था या कलिंग युद्ध का क्या कारण था, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो इसको याद रखेंगे। देखो साम्राज्यवादी व विस्तारवादी नीति के कारण कलिंग हुआ, कलिंग युद्ध हुआ, लुटेरों के कारण भी हुआ, या कलिंग जो है व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण था इसलिए, दूसरा हाथी प्राप्त करने के लिए। देखो कई दृष्टिकोण से कलिंग उपयोगी था, इस वजह से जो है कलिंग को पाने के लिए लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और कलिंग विजय, फिर अशोक ने अर्थात सम्राट अशोक ने जो है कलिंग को जीत लिया, ठीक है। अब अशोक के धम्म की भी कुछ परिभाषा है, इसको भी आप जान लीजिए। तो जो शब्द धम्म है, तो धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र में ली गई है, किसमें ली गई है भाई, राहुलोवाद सूत्र जो विषय है, राहुलोवाद सूत्र विषय से ये धम्म की जो परिभाषा है वह ली गई है, और धम्म जो है पाली भाषा का एक शब्द है, बस ये दो पॉइंट है इससे रिलेटेड, याद रखेंगे भाई, ठीक है। आगे हम अशोक के शिलालेख पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई अशोक के शिलालेख से जुड़ा हुआ सवाल भी आपके एग्जाम में बनते हैं ना, हर एक चीज हमने रखने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अशोक की जो पहली धर्म यात्रा है वह बोधगया में था, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचारक थे, बौद्ध धर्म को मानते थे अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। तो इन्होंने पहली जो धर्म यात्रा है बोधगया में किया, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे, अति महत्वपूर्ण है। और इनके जो शिलालेख की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इनके शिलालेख में जो है अरमाइक भाषा में इनके शिलालेख हैं, तीन मतलब अरमाइक भाषा में इनके तीन अभिलेख लिखे हुए हैं। अब तीन अभिलेख लिखे हैं इसको भी याद रखना है। चलिए शिलालेख के बारे में थोड़ी चर्चा करें, तो 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, मतलब अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, यदि आपके प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षक भर्ती में या सीजीटेट की परीक्षा में, तो भूलना नहीं है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो है जेम्स प्रिंसेप थे, जिन्होंने 1837 में अशोक के शिलालेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की, ठीक है। अब अशोक का ये जो स्तंभ है इसकी लेख की जो लिपि है ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ठीक है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरि स्थित। देखो भाई इसका शिलालेख कर्नाटक के ब्रह्मगिरि में स्थित है, जो छोटा शिलालेख। द्वितीय में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था, मतलब ये देखिए इसमें लिखा है कर्नाटक में छोटा शिलालेख था इनका, द्वितीय में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा कहा था, उसमें शिलालेख में लिखा हुआ था, ठीक है। कलिंग जैसे ही जब अशोक
सम्राट अशोक ने कलिंग को जीत लिया तो कलिंग विजय के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए पहले नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त किया उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। ठीक है, इसी घटना ने उनके जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। किसके जीवन को? कलिंग विजय के बाद जो है, अर्थात कलिंग का जब युद्ध हुआ, कलिंग के लिए जब युद्ध हुआ, तो उसी युद्ध ने सम्राट अशोक के जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। देखिए साथियों, मैं हर बात बोलता हूं, इंसान जब युवावस्था में होता है तभी उसको मोह होती है, लेकिन एक स्थिति ऐसे आती है जब इंसान सब कुछ त्याग देता है, और ये हर सम्राट या हर इंसान के साथ होता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक शेर की आकृति इसी सम्राट अशोक ने बनवाया था। जो शेर की आकृति रहती है ना, जो हम भारत के जो प्रतीक के रूप में देखते हैं, जैसे सिक्का वगैरह में आपको देखने को मिलता है ना भाई, तो ये किसने बनवाया था? तो अशोक ने इसको बनवाया था। ठीक है, चलिए, चूंकि अब जो है मौर्य वंश में एक महामंत्री थे जो जिसका नाम क्या था भाई, कौटिल्य था, जिसको चाणक्य भी कहा जाता था। अब इसके बारे में हम कुछ जान लें कि कौटिल्य आखिर थे कौन। तो कौटिल्य का मूल नाम था विष्णुगुप्त था। क्या नाम था भाई? मूल नाम इसका विष्णुगुप्त था। चूंकि यह चारण गांव का रहने वाला था इसलिए इसका नाम चाणक्य पड़ गया था। ठीक है, अर्थात कौटिल्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था और यह चारण गांव में होने की वजह से इसका जो नाम है चाणक्य पड़ गया था। कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र की। इसके पहले वाले मैंने कुछ मिनट पहले ही इसको मैंने बताया है, कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। इनके विषय क्षेत्रों की मैं बात करूं तो यह जो है दंड नीति, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में इनके पास महारत हासिल था, अर्थात राजनीति कूटनीति में ये दक्ष थे। ठीक है, और मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र पर भी मैंने बात कर लिया, तक्षशिला जो है शिक्षा का केंद्र था। इंडिका की जो रचना है मेगस्थनीज ने की थी, इनको भी याद रखेंगे। कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक का अर्थ भूस्वामी होता है। देखिए कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र की रचना की उसमें क्षेत्रक का अर्थ भूस्वामी बताया है, याद रखेंगे भाई इसको। ठीक है, यहां तक आपको याद है। चलिए, हो गया साथियों मौर्य काल समाप्त। अब हम आते हैं मौर्योत्तर काल। अब मौर्य काल से आगे जब हम आते हैं तब हम मौर्योत्तर काल पर पहुंचते हैं, और ये मौर्योत्तर काल पर बात करें तो मौर्योत्तर काल की जब बात आती है तो सबसे प्रमुख प्रमुख को ही हम बात करेंगे ना, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, सबको हम नहीं पढ़ सकते हैं ना। तो यहां पर सातवाहन वंश, या इसी को आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है, और इस टॉपिक से अधिकांशतः जो प्रश्न है बने हुए हैं। तो सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश के बारे में हम बात करें, सातवाहन वंश के संस्थापक थे सीमुक। याद रखना सातवाहन से सीमुक आता है, तो सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुक थे, और सीमुक जो है वैदिक धर्म के प्रवर्तक थे, अर्थात ये जो है वैदिक धर्म को मानते थे, वेदों को पुराणों को मानते थे। अर्थात एक चीज और याद रखना, सातवाहन वंश में जो कि राजा संस्थापक थे सीमुक, और इन्होंने शीशे का सिक्का चलाया। क्या चीज का सिक्का चलाया? शीशे का सिक्का सातवाहन वंश में चला है, याद रखना है भाई इस चीज को। ठीक है, इनके प्रतिद्वंदी कौन थे? शक थे। अब जब जो है सातवाहन वंश चल रहा था उस दौरान जो है इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, कार्यालयीन भाषा थी संस्कृत। संस्कृत क्यों थी भाई? क्योंकि ये वैदिक धर्म को मानते थे, है ना। चूंकि यह वैदिक धर्म को मानते थे इसलिए यहां लैंग्वेज भी संस्कृत रखी गई है, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आगे बात करें सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किरारी से। देखो छत्तीसगढ़ के किरारी नामक जगह से सातवाहन वंश के पदाधिकारियों के पद नाम प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
कई सारे पद होते थे उस दौरान भी, है ना, तो उनके पद नाम किरारी से प्राप्त हुआ है। अब मौर्यों के बाद सबसे प्रभावशाली, देखो जो मौर्य काल सबसे प्रभावशाली था, उसके बाद में यदि हम बात करें कौन सा शासन प्रभावशाली रहा है, तो मौर्य के बाद सातवाहन वंश ही सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा है, इसको भी याद रखना। और इसी सातवाहन समय में, सातवाहन वंश में भूमि दान की जो प्रथा है वह शुरू किया गया। ठीक है भाई, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। चलिए आगे बात कर लेता हूं। गुप्तकालीन साम्राज्य पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि यहां से भी आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात कर लूं मैं गुप्तकालीन साम्राज्य की, गुप्तकालीन साम्राज्य क्या होता है इसको जानू, इसके पहले हर एक पॉइंट को जानना होगा। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा जाता है, याद रखना मेरे दोस्तों। तो याद रखना सर, भारतीय साम्राज्य का, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल को कहा गया है। और गुप्त काल की जब आज बात आती है तो गुप्त वंश की बात आती है, और गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो श्री गुप्त थे। कौन थे भाई गुप्त वंश के संस्थापक, श्री गुप्त थे। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है, गुप्त वंश के संस्थापक। तो याद रखेंगे भाई, गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। अब यहीं पर लोगों ने गलत करके आ गया, लोग बहुत सारे साथियों का गलत हो गया। क्यों, जब बात आई गुप्त वंश के संस्थापक तो लोगों ने श्री गुप्त लिखने के बजाय चंद्रगुप्त लिख दिया, ये गलती कर दिए। तो गुप्त वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त नहीं है मेरे दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक जो है श्री गुप्त है, याद रखना इस बात को। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है सोने के सिक्का जारी करने वाला वंश है ये गुप्त वंश। सातवाहन वंश ने शीशे के सिक्के जारी किए थे, लेकिन ये गुप्त वंश है। और गुप्त वंश द्वारा कौन सा सिक्का जारी किया गया था, तो सोने के सिक्के जारी किए गए थे। और चूंकि सातवाहन वंश में भूमिदान की परंपरा या भूमिदान की प्रथा शुरू कर दी गई थी, अब उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया, गुप्तकालीन काल ने उसी परंपरा को आगे बढ़ाया, अर्थात भूदान की परंपरा का विस्तार गुप्त काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं। आगे बात करते हैं, देखो अब भूमिदान की परंपरा का विस्तार गुप्त काल में हो गया था, श्री गुप्त के द्वारा संस्थापक थे उसके द्वारा हो गया था। इसमें अनेकों राजा हुए, अर्थात इस गुप्त काल में कई अलग अलग पीढ़ी दर पीढ़ी साम्राज्य भी हुए। कुछ प्रमुख साम्राज्य की हम बात इसमें कर रहे हैं। एक तरफ यहाँ आपको राजा दिख रहा है, एक तरफ उनको उपाधि की बात करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि आपके परीक्षा में उपाधि से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए जो पूछा जाता है ना उनको मैं बता रहा हूं भाई। देखिए सबसे पहले आता है श्री गुप्त के बारे में, श्री गुप्त को कौन सी उपाधि मिली है, तो श्री गुप्त को आदिराज महाराज के नाम से जाना जाता है। याद रखना इस बात को, अति महत्वपूर्ण है, श्री गुप्त को आदिराज महाराज के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजाधिराज और लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त की बात करूं तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये तो सभी जानते होंगे, है ना। समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, पहली। दूसरा, 100 युद्धों के विजेता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को दो उपाधि मिली है, एक तो भारत का नेपोलियन और 100 युद्धों के विजेता। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है कुमारगुप्त। अब कुमारगुप्त को क्या कहा जाता है, तो इसको महेंद्रादित्य के नाम से जाना जाता है कुमारगुप्त को। तो कुमारगुप्त जो है महेंद्रादित्य, और इसी महेंद्रादित्य ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जो है स्थापना किया, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त हैं। ठीक है, अब इसी को महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। तो याद रखना,
नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे भाई? तो कुमार गुप्त थे। क्लियर है? और नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कब था? गुप्त काल में। याद रखना भाई, मौर्य काल में तक्षशिला मैंने बताया, लेकिन जब हम आ गए गुप्त काल में, तो गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? क्या था भाई? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय वहां पर बहुत ज्यादा फेमस थे। गुप्त काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा थी। ठीक है, यहां तक की याद रखना भाई। चलिए अब हम थोड़ा परिचय कर ले, श्री गुप्त थे कौन, समुद्रगुप्त कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय कौन थे। तो श्री गुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। याद रखना, बार बार मैं इसको बताता हूं, लगातार कई बार ये पूछा गया है। समुद्रगुप्त कौन थे? तो विंसेंट स्मिथ ने, देखो समुद्रगुप्त, तो विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा, लेकिन किसने? तो विंसेंट स्मिथ ने कहा था। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति शिलालेख में समुद्रगुप्त दक्षिण विजय अभियान पर 12 राजाओं को पराजित किया था। वीरावादक और गरुड़ चिन्ह युक्त सिक्के भी इसी समुद्रगुप्त ने चलाए। इसके अलावा वैष्णव धर्म के प्रवर्तक थे समुद्रगुप्त। ठीक है, आगे मैं इस पर बात करूं चंद्रगुप्त द्वितीय पर। देखो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसको विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई थी। किसको? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय का उल्लेख, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय विजय प्राप्त किया है, इसका उल्लेख दिल्ली के मेहरौली स्तंभ में उल्लेखित है, वहां से पता चलता है। और ये जो मेहरौली स्तंभ है रसायन शास्त्र का सबसे नायाब उदाहरण है, जिसमें आज तक जंग नहीं लगा है साथियों। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है नवरत्न है, अर्थात नवरत्नों में से एक है, और सबसे ज्यादा बार ये पूछे जाने वाले प्रश्न है, अर्थात चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न है। याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय जो सम्राट थे उनके नवरत्न थे। उनमें से कुछ प्रमुख रत्न जो है जिनसे जुड़ा हुआ प्रश्न आया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय के प्रमुख रत्न, एक तो है कालिदास, और कालिदास की रचना क्या है? अभिज्ञान, शाकुंतलम और मेघदूत आदि आदि हैं, लेकिन दो चीजें आप याद रखेंगे, ये प्रश्न इन्हीं से पूछा जाता है। वराहमिहिर जिन्होंने ज्योतिष विज्ञान क्षेत्र को चुना, और ज्योतिष विज्ञान विज्ञान जो है इनकी रचना है धन्वंतरी, और आप सभी जानते हैं धन्वंतरी आयुर्वेद के जानकार थे, आयुर्वेद के जनक भी कह सकते हैं। तो आयुर्वेद किसने लिखा है? तो धन्वंतरी ने लिखा है। ठीक है भाई, यहां तक चीजें स्पष्ट है। एक चीज और याद रखो, कालिदास को भारत का शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, बात करें थोड़ा सा गुप्तकालीन साहित्य की, कि गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य रचना थे। जैसे अभी मैंने बात कर दिया, साहित्य की ही मैंने बात की है, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, और कालिदास ने अनेकों रचनाएं लिखी है, जिसमें भारत का शेक्सपियर इसको कहा जाता है, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूतम, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमो वंशीय, मालविका अग्निमित्रम आदि रचनाएं जो है कालिदास की हैं, इसको याद रखेंगे। और कालिदास जो है उनकी सभी रचनाएं संस्कृत भाषा में थी। कौन सी भाषा में थी भाई? संस्कृत भाषा में। चूंकि देखो कालिदास गुप्त काल के है ना, कौन से काल के? गुप्त काल में थे। कालिदास कौन से काल में थे? गुप्त काल में थे। और गुप्त काल उस दौरान जो है गुप्त वंश श्रीगुप्त प्रवर्तक किसके थे, कौन से? तो वैदिक धर्म के। तो अब वेद आ गया, वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज भी आ गई, तो वेद मतलब यहां पर संस्कृत भाषा ऑटोमेटिकली आ जाती है ना। अब अभिज्ञान शाकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया था, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, शूद्रक क्या थे? मृच्छकटिकम, नारायण पंडित। देखो शूद्रक ने किसकी रचना की? मृच्छकटिकम की। नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। और संसार में बाइबिल के बाद सबसे प्रचलित ग्रंथ विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र है, यह एक ग्रंथ है। भवभूति ने मालवी माधव की रचना की, और वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की।
महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। आगे बात करूं मैं आर्यभट्ट की, तो आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की रचना की, आर्यभट्टी की रचना की, दशमलव प्रणाली, बीजगणित, शून्य का सिद्धांत भी इन्होंने दिया। ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि शून्य का सिद्धांत किसने दिया, तो आर्यभट्ट ने दिया, साथ ही साथ पाई का मान 3.14 भी आर्यभट्ट ने ही बताया है। वराहमिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका की रचना की। भास्कराचार्य ने, जिसे गणितज्ञ के नाम से जाना जाता है, सिद्धांत शिरोमणि की रचना भास्कराचार्य की है और पहला कव्य हस्तारुवेद की रचना की थी। ठीक है, अब गुप्तकालीन साहित्य को संस्कृत का स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि इस दौरान गुप्त वंश में वैदिक काल चलता था तो भाषा संस्कृत थी। ठीक है भाई, तो ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं याद रखना। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था ये याद रखना। छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2023 में ये भी प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। आगे बात कर ले कुतुब मीनार से संबंधित शासक की। कुतुब मीनार बहुत ही चर्चित हैं, बहुत ही चर्चित मीनारों में से एक हैं। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और इसको तीसरी मंजिल तक किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने तीसरी मंजिल तक इसका निर्माण करवाया, लेकिन इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इसी में आता है अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे जुड़ा हुआ प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, जिसको सिकंदर ए सानी अर्थात द्वितीय सिकंदर की उपाधि मिली थी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसे मिली थी, ऑप्शन आपका आ जाएगा, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर या सिकंदर ए सानी की उपाधि मिली थी। और ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, अपने ही चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बना, याद रखना अति महत्वपूर्ण है, अपने ही चाचा को मारकर दिल्ली का सुल्तान बनने वाला सम्राट था अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने अपने चाचा की हत्या कर दिया और हत्या करके स्वयं जो है उस सिंहासन पर जा बैठा। बाजार मूल्य नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी, इसको भी याद रखना। आगे बात करें हम मोहम्मद बिन तुगलक की, इसके बारे में भी थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं इंपॉर्टेंट विषयों पर। तो इसके काल में इब्न बतूता भारत आया, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, इसी शासन काल में इब्न बतूता भारत आया। इब्न बतूता भारत आया जिसने किताब उल रहला की रचना की, और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में प्रमुख रचनाएं हुए, जैसे रचना है कुतुबन, जो कि मृगावती की रचना है, इब्न बतूता किताब उल रहला की रचनाकार हैं, और मुतखब उल लुबाव खाफी खां की रचना है। ठीक है, तो इसको याद रख लेंगे, बेसिक है, छोटी छोटी चीजें बड़ी बड़ी कर जाती है मेरे दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं, आगे अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं कि आखिर ये अमीर खुसरो है कौन सी चीज। तो चीज नहीं है मेरे दोस्तों, ये इंसान है। और अमीर खुसरो एक दरबारी कवि था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो, याद रखना। अमीर खुसरो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। कई बार ये प्रश्न विविध प्रकार के सीजी व्यापम की परीक्षाओं में आ चुके प्रश्न हैं। और तुगलक नामा अमीर खुसरो की अंतिम रचना है। अमीर खुसरो की रचना क्या है, तुगलक नामा, और यह सबसे लास्ट रचना थी। अमीर खुसरो एक कवि भी थे और संगीतज्ञ भी थे। ठीक है, सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने ही किया था। किसने किया था भाई, तो सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यहां तक याद रखेंगे, उसके बाद में एक और शासन काल आता है, वह है मुगल काल। और मुगल काल बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां से भी आपके प्रश्न बनते हैं। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, अकबर, बहुत सारे राजा हुए, है ना। तो चलिए एक एक करके हम जो है मुगल काल की बात करें,
तो मुगल काल में सबसे पहला जो सम्राट हुए अर्थात भारत में मुगल काल के साम्राज्य के संस्थापक के रूप में हम इसको जान सकते हैं, वह है बाबर। तो मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को माना गया है, याद रखना। और बाबर की आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, और इस बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। अब बाबर के सम्राट बनने के दौरान अर्थात इसके कार्यकाल में अनेकों युद्ध हुए। अब युद्ध अभियान की बात करूं, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526। जितने भी युद्ध है याद रखना, दिमाग में बैठा लो, डायरेक्ट पूछते हैं पेपर में, ठीक है भाई, देख लो। ये बाबर के काल का है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई हुआ और बाबर जीत गया। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ 21 अप्रैल 1526 में, जिसमें बाबर जीत गया। दूसरा युद्ध खानवा का युद्ध था, जो कि 1527 में हुआ। बाबर और राणा सांगा के बीच में ये युद्ध हुआ, इसमें भी बाबर ही जीत गया। अर्थात खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें बाबर जीत गया। फिर तीसरा युद्ध हुआ चंदेरी का युद्ध, जो कि 1528 में हुआ। अब 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर और मेदिनी राय के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुनः बाबर जो है जीत गया। अब यहाँ इनको याद कैसे करना है, तो इसको 21 अप्रैल 1526 शुरू का याद कर लीजिए, पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद 1526 के बाद क्रम को याद रखें, 1527 1528 करके इसको आपको याद रखना है। तीनों युद्ध अति महत्वपूर्ण है, ठीक है, समझ में आ गया। बाबर, बाबर के बाद में अगला शासक आता है हुमायूं, ठीक है। अब इस हुमायूं की बात करें तो हुमायूं नामा की रचना किसने की थी, गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई, अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। हुमायूं नामा की किसने रचना की, तो गुलबदन बेगम द्वारा हुमायूं नामा की रचना की गई। अब हुमायूं के समय में भी युद्ध हुआ, देखो भाई क्या युद्ध हुआ। चूंकि बाबर ने जब युद्ध खेला 3-4 शासकों से, हर बार बाबर ही जीत रहे थे। अब दूसरे पीढ़ी आ गया है ना, दूसरा पीढ़ी में मुगल काल में दूसरा पीढ़ी आ गया, मुगले आजम। अब वो कौन था, हुमायूं। तो अब इनके युद्ध अभियान की बात करें तो चौसा का युद्ध हुआ 1539 में, किसके किसके बीच, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में चौसा का युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया। देखो भाई अब हारना शुरू हो गया ना, अब हारना शुरू हो गया। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ, हुमायूं हार गया। फिर युद्ध हुआ, ये जो चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ, फिर कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में, ये भी क्रम में है ना, 1540 में कन्नौज का युद्ध हुआ, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में ही ये युद्ध हुआ। तो फिर से जो है हुमायूं हार गया और इन्होंने भारत को छोड़कर बिरसाल का शरण ले लिया, ठीक है। अब यहां शेर शाह सूरी जीत गया, हुमायूं हार गया, है ना भाई। अब शेर शाह सूरी जीतने के बाद इन्होंने भारत में द्वितीय अफगान राज्य बनाया, देखो क्या बनाया, अफगानिस्तान से थे, द्वितीय अफगान राज्य बनाया, ठीक है। और शेर शाह सूरी जब उनके अंतिम समय था, उनका मकबरा सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है। कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत भी इन्हीं शेर शाह सूरी के दौरान हुई थी, क्लियर है भाई यहां तक। एक चीज अब आगे बात करेंगे अकबर की, बहुत ही प्रसिद्ध थे अकबर, अकबर के बारे में बच्चा बच्चा जानता है। तो याद रखना, अकबर की बात आती है तो सम्राट थे अकबर, और अकबर के दरबार में सबसे पहले पॉइंट ऊपर में लिखा हूं बाद में, अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद समद, याद रखना। अकबर का राजस्व व्यवस्था टोडरमल व्यवस्था कहलाती थी, ये दो चीजें हैं याद रखने वाली। बुलंद दरवाजा
अशोक ने बनवाया था, याद रखना। अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, कहाँ पर है भाई? अकबर का मकबरा सिकंदराबाद में है, और यह सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के अनुयायी थे। देखो भाई, सूफी संप्रदाय के अनुयायी बन गया था अकबर, अर्थात शेख सलीम चिश्ती का ये अनुयायी था, और इबादत खाना फतेहपुर सिकरी बुलंद दरवाजा, ठीक है। ये इबादत खाना कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में है, याद रखना। बुलंद दरवाजा की हाइट 172 फीट है, इसको भी याद रखना, ठीक है। अकबर के अकबर ने सुलह ए नीति बनाई, याद रखना। अकबर को दीन ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है, ये प्रश्न भी आता है। दीन ए इलाही के नाम से हम किसको जानते हैं? सम्राट अकबर को जानते हैं। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर को समाप्त कर दिया था, किसने समाप्त किया था? अकबर ने समाप्त किया। अब अकबर के युद्ध अभियान की बात कर लूं मैं, तो अकबर ने भी कई युद्ध लड़े। बाबर ने पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा था 1526 में, है ना, 21 अप्रैल को। अब पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा, प्रथम युद्ध बाबर ने लड़ा, द्वितीय युद्ध अकबर ने लड़ा, और ये युद्ध किनके किनके बीच में हुआ? अकबर व हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ, जिसमें अकबर क्या हुए? विजयी हुए। देखो भाई, अब अकबर जीतना शुरू कर दिए। उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जो कि 1576 में हुआ, और यह इसमें जो है राणा महाराणा प्रताप शासक थे, ठीक है। अकबर के नौ रत्नों की जब बात की जाती है साथियों, तो क्या है, कौन है उनके नौ रत्न? इनमें से कौन सा नौ रत्न नहीं है? कुट संकेतन से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। तो एक पहला नवरत्न है कविराज बीरबल, जिसको महेश दास भी कहते थे। तानसेन, जिसका बचपन का नाम रामतनु पांडे था। अबुल फजल, जिसकी हत्या सलीम ने वीर सिंह बुंदेला से करवाई, अर्थात अबू फजल की हत्या किसने की? सलीम ने की, वीर सिंह बुंदेला से करवाई थी। चौथा इसके रत्न है टोडरमल, तो टोडरमल की व्यवस्था अर्थात अकबर की राजस्व व्यवस्था ही टोडरमल व्यवस्था कहलाती थी। पांचवा है मान सिंह, छठवा है अब्दुल रहीम खान खाना, सातवा है फैजी, आठवा है हकीम हुकान, और नौवा है मुल्ला दो प्याजा। ये अकबर के नौ रत्न में से एक रत्न है, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं जहांगीर के बारे में, ठीक है। जहांगीर है कौन, क्या, इसके बारे में हम चर्चा करें। चर्चा की हम अंतिम समाप्ति की ओर हैं, फिर हमारे यूनिट 3 खत्म हो जाएगा। जहांगीर, सबसे पहले याद रखें, तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला था जहांगीर, अर्थात इसी जहांगीर ने तंबाकू के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था, अर्थात तंबाकू का सेवन करना, उपयोग करना बिल्कुल वर्जित कर दिया था। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को कहा जाता है, याद रखना। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के इसी काल को कहा जाता है, और इसी के शासन में भारतीय चित्रकला में यूरोपीय प्रभाव परिलक्षित हुआ, ठीक है। चित्रकला में बहुत ज्यादा रुचि थी जहांगीर की, और जहांगीर की पत्नी की बात करूं तो जहांगीर के तीन पत्नियां, कितनी पत्नियां थी जहांगीर की? तो तीन पत्नियां थी, मानसी, जगत गोसाई और नूरजहां। क्या क्या था? मानसी, जगत गोसाई और नूरजहां। मानबाई जगत गोसाई और नूरजहां। मानबाई जिसके पुत्र का नाम खुसरो था, ठीक है। क्या था भाई? मानबाई के पुत्र का नाम खुसरो था, जिसका मकबरा काबुल में स्थित है। इसकी दूसरी पत्नी जगत गोसाई, जिसके पुत्र का नाम शाहजहां था, और इसकी तीसरी पत्नी नूरजहां, ठीक है जी, इनका मकबरा इलाहाबाद में है। तो इतना याद रखना है। हॉकिंग्स को फिरंगी खां की उपाधि मिली, जो जहांगीर के काल में दरबार में आया हुआ था, ठीक है।
तो इतना याद रखना है भाई जहांगीर से जुड़ा हुआ। अब चूंकि जहांगीर की तीन पत्नियां थी, मानबाई, जगत गोसाई और नूरजहां, है ना, तो इसमें से उनका एक पुत्र था शाहजहां, जगत गोसाई का पुत्र। अब शाहजहां शासक बना, सम्राट बना। अब शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खा था। क्या था भाई? खुर्रम खा था, खुर्रात नहीं ऋषि, लेकिन नाम तो खुर्रम ऋषि। अब क्या पता भाई वो जमाना में खुर्रात भी ऋषि ही है ना। तो इसके बचपन का नाम खुर्रात था, अर्थात खुर्रम खा था। अब बेगम मुमताज का मकबरा आगरा में बनवाया, जो कि ताजमहल। इसी शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में, मुमताज के लिए मकबरा का निर्माण करवाया आगरा में, जो कि ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। और ये प्रेम के प्रतीक के रूप में आज जो है हम ताजमहल को जानते हैं। ठीक है, ताजमहल का स्थापत्यकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी और ताजमहल के वास्तुकार थे उस्ताद ईसा खां। शाहजहां के सात संतान थी। कितनी संतान थी? शाहजहां के सात संतान थी। और ताजमहल की प्रतिकृति अर्थात हूबहू नकल जैसा और बनाया गया। आगरा में स्थित एतमादुद्दौला का मकबरा ताजमहल की प्रतिकृति है। ठीक है भाई, आगे बात करता हूं औरंगजेब। देखो अब औरंगजेब कौन थे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ताजमहल के बारे में तो हमने बात कर लिया, अब शाहजहां के पुत्र में से एक औरंगजेब की बात करूं तो बेगम की आग्रह पर बीबी का मकबरा। अब देखो भाई, अब बड़े बड़े महल बनाना शुरू कर दिया अपनी पत्नी की याद में, है ना। तो बेगम की आग्रह पर बीबी का मकबरा बनवाया, ताजमहल की तर्ज पर बना था, जिसको द्वितीय ताजमहल का नाम दिया गया है। मतलब ताजमहल जैसा ही ये दिखता है ना। बेगम की आग्रह पर औरंगजेब ने बीबी का मकबरा बनवाया। अब इस औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मुगल शासन में जिले का प्रधान अधिकारी फौजदार होता था। जैसे आज जिले के प्रधान अधिकारी लकाय कही थन, कलेक्टर कही थन, जिलाधीश कही थन, ठीक वो इसने ही मुगल काल में जिला के जो प्रधान अधिकारी रहे तेला फौजदार कहे, है ना। मुगलों ने भारतीय संस्कृति के तीनों क्षेत्र संगीत, चित्रकला, स्थापत्य में योगदान दिया। देखो मुगल काल में संगीत कला भी था, चित्रकला भी था, स्थापत्य कला में भी योगदान था। मतलब महल वहल मस्त डिजाइनिंग बनाना स्थापत्य कला के ये सब उदाहरण है ना भाई। चित्रकला, संगीत कला, तानसेन वगैरह कहाँ ले रही से भाई, इसी अकबर बीरबल के समय में तो रही से ना, नवरत्न में से एक, तो ये सभी है। ठीक है, कुछ मुगल कालीन विविध पर बात कर लेता हूं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें वाली बात हो जाती है ना। मजबूत मुद्रा व्यवस्था अपनाया मुगल काल में। मुगल प्रशासक व्यवस्था रूपरेखा इस्लामिक आधारित नहीं था। केंद्रीय प्रशासन में दो महत्वपूर्ण पद होते थे, वजीर और वकील। देखो ये भी एक पद थे, जैसे फौजदार मैंने कहा पद था, ठीक वैसे ही इस काल में वकील व वजीर केंद्रीय प्रशासन में महत्वपूर्ण पद थे। जब्ति, भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। जब्ति, भूमि के कर यदि नहीं पटा सकते थे, टैक्स नहीं पटाते थे, उनका भूमि जब्त कर लिया जाता था। स्मारक का निर्माण क्रम पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेपर में आता है। सबसे पहले बुलंद दरवाजा सबसे पुराना है, उसके बाद आगरे का दीवाने आम बना, उसके बाद ताजमहल बना, उसके बाद मोती मस्जिद का निर्माण किया गया। ठीक है, मुगल कालीन रचना पर भी हम एक दृष्टिकोण स्थापित कर ही लेते हैं। तो तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबर नामा कहा गया, लेखक थे बाबर। हुमायूं नामा, जिसके लेखक थे गुलबदन बेगम। अकबर नामा, जिसके लेखक थे अबुल फजल। और शाहजहां नामा, जिसके लेखक थे इनायत खां। तो ये चार रचना है जो कि मुगल काल से जुड़ी हुई रचना है मेरे दोस्तों, और इस रचना को याद रखेंगे। साथियों इसी के साथ यूनिट 3 को हम समाप्त करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारे साथ यदि आप जुड़ना चाहते हैं,
सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ यदि आप पेड क्लास लेना चाहते हैं तो सीजी टेट प्राइमरी का 599 रुपये है, सीजी टेट अपर प्राइमरी का 699 रुपये हैं, विज्ञान गणित वाला हो तो भी 699 पड़ेगा, सामाजिक विज्ञान वाले हैं तो भी 699 रुपये पड़ेगा। यदि सहायक शिक्षक कंप्लीट बैच लेना चाहते हैं, वीडियो प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगी, 999 रुपये में सहायक शिक्षक की नोट्स मिल रही है और वीडियोस लेक्चर भी मिलेंगी। शिक्षक का 1199 रुपये में मिलेंगी आपको। यदि आप सिर्फ जो है अलग अलग विषयवार पीडीएफ नोट्स खरीदना चाहते हैं, विषयवार नोट्स लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएंगी, 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, अलग अलग विषय के आधार पर शुल्क लगेगा और आपको जो है नोट्स मिल जाएगा। तो यदि आप पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या नोट्स खरीदना चाहते हैं, दोनों के लिए आपको प्ले स्टोर में जा करके सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट को डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन है, और वहाँ पर आपको आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो कंप्लीट डिटेल्स आपको दिखने लगेंगी। और यदि साथियों इनसे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 8839730092। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप ऑनली अवेलेबल है ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए इस वीडियो में इतना ही, विमल सर को इजाज़त दीजिए, अगले यूनिट अर्थात यूनिट 4 की बात होगी, कल फिर से आप सभी से रूबरू होंगे इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए विमल सर को इजाज़त दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़ मातारी।